नमस्कार, होलसम टेल्स में आपका स्वागत है। मिलेट के बारे में अधिकांश लोग सुन चुके हैं, फिर भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मिलेट क्या है, कैसे काम करते हैं। तो आज इस बहुत ही छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको मिलेट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पूरे वीडियो को सुने ध्यान से, और इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जरूरी जानकारी सब लोगों तक पहुँच सके और सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलेट अनाज ही है। गेहूँ और चावल के दाने के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये दाने छोटे होते हैं, इसलिए इनको छोटे अनाज या कई बार मोटे अनाज भी बोला जाता है, जिनके अंदर ज्वार, रागी, बाजरा, कुटकी, सामा, कोदरा, इवन यहाँ तक कि मक्का भी आते हैं। ये अनाजों को हम मिलेट बोलते हैं। हालांकि मिलेट 200 से ज़्यादा अलग अलग वेराइटी के अनाज हैं जो कि पूरे दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। गेहूं और चावल की तुलना में इन अनाजों के अंदर संतुलित पोषण मिल जाता है, यही इन अनाजों को खास बनाता है। और पोषण की अगर हम बात करें तो इसके अंदर विटामिन मिनरल्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है, और यही जो है अनाज इन अनाजों को यानी मिलेट्स को खास अनाज बनाती है और इनको ऊंचा दर्जा दिया गया है जब हम गेहूँ और चावल के साथ इनकी तुलना करते हैं तो। और इन्हीं अनाजों में यानी मिलेट्स के अंदर 5 ऐसे खास अनाज हैं, मिलेट हैं, जिनको डॉक्टर खादर वली, जिनको मिलेट मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, उनकी 25 सालों की इसके ऊपर रिसर्च है और उन्होंने उन 5 खास मिलेट्स को सिरी धान्या का नाम दिया क्योंकि उनके अंदर बहुत ही खास प्रॉपर्टीज इनको मिली, और वो है कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का अनुपात। इसका इतना बैलेंस्ड अनुपात है कि उसके अंदर डिजीज़ रिवर्सल प्रॉपर्टीज़ तक आ जाती हैं, और उसके साथ ही जो बैलेंस पोर्शन जो बाकी मिलेट्स में मिलता है वो भी उनके अंदर मौजूद है। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का एक बैलेंस अनुपात जो है वही इन मिलेट्स को खास बनाता है। और ये जो सिरी धान्या जो 5 मिलेट्स हैं ये डिजीज़ रिवर्सल की प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। हमारे अपने ही 5 साल के अनुभव के अंदर हमने बहुत सारे परिवारों को देखा है जिन्होंने मिलेट्स को, इन 5 मिलेट्स को खासकर अपनी डाइट के अंदर शामिल किया और उनकी बहुत सारी अलग अलग तरह की मेडिकल कंडीशन यानी बीमारियां जो हैं वो उनकी रिवर्स हुई हैं, जिसके अंदर डायबिटीज़, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, अस्थमा, और यहाँ तक कि कुछ केसेस में कैंसर में भी उनको बहुत ज़्यादा मदद मिली है। ऐसे बहुत सारे परिवारों के टेस्टिमोनियल्स, वीडियो टेस्टिमोनियल्स हमने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, जिनके लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उनको जरूर से चेक कीजिएगा और जानिएगा कि कैसे परिवारों ने मिलेट इंक्लूड करके अपनी डिजीज़ को रिवर्सल किया। आइए समझ लेते हैं कि मिलेट खास क्यों हैं और ये कैसे काम करते हैं, लेकिन इससे पहले ये समझ लेते हैं कि बीमारियाँ होती क्यों हैं। डॉक्टर खादर वली बताते हैं कि बीमारियों के पीछे मुख्यतः 3 कारण होते हैं, वो है हॉर्मोनल इम्बैलेंस, ग्लूकोज इम्बैलेंस और गट माइक्रोबियल इम्बैलेंस। और ये तीनों का इम्बैलेंस होता क्यों है उसके पीछे 2 चीज़ें मुख्यतः कारण में आती हैं, वो है कुपोषण यानी मैल न्यूट्रिशन, और दूसरा कारण है टॉक्सिन्स जो हमारे शरीर के अंदर गंदगी जो जमा हो जाती है। ये दोनों जो कारण हैं यही अलग अलग तरह का इम्बैलेंस हमारे शरीर के अंदर क्रिएट करते हैं और जो कि फिर कारण बनते हैं अलग अलग बीमारियों का। सिरी धान्या मिलेट, 5 मिलेट जिनके बारे में मैंने आपको बताया, वो एक बैलेंस न्यूट्रिशन का पैकेट है अपने आप में, और ये हमारे शरीर के अंदर पोषण को, सही पोषण को देते हैं, और इसके साथ ही इनके अंदर डिटॉक्सिफाइंग यानी बॉडी क्लींजिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं। इन 5 मिलेट्स में अलग अलग बॉडी पार्ट्स को क्लींज करने की खासियत है। जैसे कि अगर हम कोडो के बारे में बात करें तो कोडो हमारे ब्लड और बोन मैरो को प्यूरीफाई करता है। अगर हम ब्राउन टॉप मिलेट की बात करें तो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को क्लींज करता है, इसके साथ ही बाकी अंगों को भी क्लींज करने की इसके अंदर खास प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉक्सटेल मिलेट की अगर हम लोग बात करें तो ये नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लींस करने की खासियत रखता है, और अगर हम लोग लिटिल मिलेट की बात करें तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जो हमारे हार्मोन रिलेटेड जितने भी हमारे शरीर के अंदर अंग होते हैं उनको भी क्लींस करने की ये प्रॉपर्टी रखता है। बार्नयार्ड मिलेट ये हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर को क्लींस करने की प्रॉपर्टीज रखता है। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं ये 5 मिलेट हमारे अलग अलग महत्वपूर्ण बॉडी अंगों को क्लींस करने की प्रॉपर्टी रखती हैं, और यही इनको खास बनाता है कि जो 2 लीडिंग कारण है कुपोषण और टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर, ये 5 मिलेट मिलकर हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स निकालती हैं और इसके साथ ही सही बैलेंस न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं, और इसी कारण से इन मिलेट को सुपीरियर मिलेट्स का दर्जा दिया गया है डॉक्टर खादर वली जी के द्वारा, और ये डिजीज रिवर्सल में मदद करती है। इसके अलावा अगर आपको मिलेट के बारे में और अधिक जानना है और ये जानना है कि मिलेट से अलग अलग तरह के पकवान कैसे बनाए जा सकते हैं, तो इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। इसी वीडियो के नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर उन सभी के लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे।
आइए अब हम कुछ ऐसे कॉमन सवालों के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, जो हमारे व्यूअर्स ने अलग अलग जगह पर हमसे पूछे थे। पहला सवाल जो आता है वो आता है कि मिलेट तो गर्म होते हैं, तो क्या हम इनको सब सीजन में खा सकते हैं? जी हाँ, मिलेट हम सब सीजन में खा सकते हैं, सभी तरह के मिलेट्स हम खा सकते हैं। इसमें हमें ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो ये हैं कि मिलेट्स को बदल बदल कर खाएं। जैसे कि सब्जी या फलों के साथ भी होता है कि हमें अलग अलग तरह के फल सब्जियां खाने चाहिए, अनाज खाने चाहिए, वैसे ही मिलेट भी है, मिलेट को हमें बदल बदल कर खाना चाहिए। एक मिलेट को सजेस्ट करते हैं कि 2 दिन तक हम खा सकते हैं, उसके बाद हमें दूसरा मिलेट यानी दूसरा अनाज हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा मिलेट को कभी प्रेशर कुक ना करें, मिलेट को आप खुले बर्तन में पकाएं ताकि इसका सही न्यूट्रिशन आपको मिल सके और सही से ये अनाज पक सके, क्योंकि मिलेट मोटा अनाज होता है, थोड़ा सख्त अनाज होता है, इसीलिए इसको सही तरीके से पकाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खासकर सिरिधान्य मिलेट्स की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर खादरवली बताते हैं कि इसको 6 से 8 घंटे तक हमें सोख करके यानी पानी में भिगो कर ही पकाना चाहिए ताकि ये अनाज अच्छी तरह से फूल जाए, अंदर तक फूल जाए, और उसके बाद हम इसको सही से पकाएंगे तो ये हमें गर्मी नहीं करेगा। दूसरा जो सवाल आता है अनाज के बारे में वो ये आता है कि क्या हम मिलेट के साथ साथ कभी कभार गेहूँ या चावल भी खा सकते हैं? जी हाँ, आप खा सकते हैं। और जब डिजीज़ रिवर्सल की बात आती है और गेहूं और चावल के बारे में सवाल आता है तो यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर खादरवली सजेस्ट करते हैं कि जब आप डिजीज़ रिवर्सल के लिए मिलेट को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं तो आप गेहूं और चावल को एक बार अपनी डाइट में शामिल ना करें, तो आपको डिजीज़ रिवर्स करने में और ज़्यादा मदद मिलेगी और फास्टर रिकवरी मिलेगी। तो कोशिश करें कि आप जितने लंबे समय तक आप गेहूं और चावल को अपनी डाइट से हटा सकें तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये कि मिलेट्स को हमें अपनी डाइट के अंदर शामिल ज़रूर से करना है। जैसा कि मैंने बताया, 5 सिरिधान्य मिलेट्स हैं, इसके अलावा और भी दूसरे तरह के मिलेट्स हैं जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, तो इनको भी हमें अपनी डाइट के अंदर शामिल करना चाहिए। तो आप खुद ही देखेंगे कि इतनी सारी मिलेट्स हैं कि अगर हम एक एक मिलेट को 2-2 दिन भी खाते हैं तो गेहूँ और चावल का जो नंबर है वो करीब 12 से 15 दिन के बाद आएगा। तो इतने दिन के बाद अगर आप चाहें तो 1-2 दिन आप गेहूं और चावल भी खा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गेहूं और चावल किस तरह के खाने चाहिए, किस तरह से पकाने चाहिए, इसके ऊपर भी हमने एक खास वीडियो बनाया था, वो वीडियो का लिंक भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। इस वीडियो को आप ज़रूर से चेक करें, इसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है कि गेहूँ क्यों खराब हुआ, गेहूँ सही तरह का गेहूँ कौन सा है, कैसे हमें उस तरह उसे पकाना चाहिए, कैसे उसे खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मिलेट के बारे में, मिलेट अनाज क्या है, किस तरह से ये मदद करते हैं, क्यों ये मदद करते हैं और किस तरह से हमें इनको पकाना खाना चाहिए। और इसके अलावा और भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं मिलेट के बारे में तो जैसा मैंने पहले बताया, हम उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड करेंगे, आप उनको ज़रूर से चेक कीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि ये ज़रूरी जानकारी सभी तक पहुँच सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।